नमस्कार, वेब दुनिया फटाफट बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। महाराष्ट्र में उद्धव सरकार में कैबिनेट मंत्री नवाब मलिक गिरफ्तार, अंडरवर्ल्ड कनेक्शन और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी की कार्रवाई। नवाब मलिक की गिरफ्तारी पर गर्म हुई महाराष्ट्र की सियासत, भाजपा ने नवाब मलिक के इस्तीफे की मांग, एनसीपी का पलटवार, केंद्र सरकार के इशारे पर काम कर रही है ईडी। उत्तर प्रदेश में चौथे चरण में 59 सीटों पर हुआ मतदान, कई दिग्गजों की किस्मत ईवीएम में हुई कैद, चौथे चरण में भी वोटरों में नहीं दिखा कोई खास जोश। वेब दुनिया पर 5 राज्यों के विधानसभा चुनावों का महा कवरेज, चुनाव से जुड़ी हर खबर पर रखिए नजर सिर्फ वेब दुनिया के साथ। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बन सकते हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया, ग्वालियर में जैन संत की भविष्यवाणी, जैन संत से आशीर्वाद लेने पहुंचे थे सिंधिया। यूक्रेन में फंसे मध्य प्रदेश के 2 स्टूडेंट्स की सकुशल वतन वापसी, भोपाल के हर्षित शर्मा और इंदौर की आयुषी जैन लौटे घर, परिवार वालों ने सरकार का किया शुक्रिया। मध्य प्रदेश में ग्वालियर चंबल में डकैत गिरोह होने की खबरें सिर्फ अफवाह, बोले गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी की खबरों से भ्रम में नहीं आए लोग। सुप्रीम कोर्ट ने रामायण में वर्णित राम सेतु को राष्ट्रीय धरोहर का दर्जा देने की मांग संबंधी एक याचिका स्वीकार की, सुब्रमण्यम स्वामी की इस याचिका पर 9 मार्च को होगी सुनवाई। कौशाम्बी में बोले पीएम मोदी, यूपी में चौथे चरण के मतदान में जनता भाजपा की जीत का चौका मार रही है, जो लोग मानते हैं कि यूपी के लोग बढ़ जाएंगे उन्हें लंबी कतारों में लग के मतदाताओं को देखना चाहिए। राजस्थान सरकार के वर्ष 2022-23 के बजट में कोई नया कर नहीं लगाया, 1500 करोड़ रुपए की राहत देने के साथ सरकारी कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना, नरेगा में 125 दिन का रोजगार, इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना तथा बिजली उपभोक्ताओं को अनुदान देने की घोषणा की। सुप्रीम कोर्ट ने दी 10वीं और 12वीं कक्षाओं की सीबीएसई एवं अन्य बोर्डों की परीक्षा ऑफलाइन माध्यम से कराने की हरी झंडी, याचिका खारिज। वेब दुनिया की सभी से अपील है कि भीड़ भाड़ से बचें, मास्क पहनें व सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें, साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन करें। एनसीपी नेता और उद्धव ठाकरे के मंत्री नवाब मलिक ने कहा, मुझे बिना समन के और जबरन किया गया गिरफ्तार, कहा हम लड़ेंगे भी और जीतेंगे भी। यूक्रेन संकट के बीच रूस पर कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका आदि देशों ने लगाए प्रतिबंध, 2 यूक्रेनी क्षेत्रों को स्वतंत्र राज्य के रूप में मान्यता देने और रूसी सेना को पूर्वी यूक्रेन में स्थानांतरित करने के बाद रूस के खिलाफ प्रतिबंध लगाने की घोषणा की गई। रूसी हमले के खतरे के बीच यूक्रेन में 30 दिवसीय आपातकाल लगाने की योजना, यूक्रेन का हर नागरिक उठाएगा हथियार, नागरिकों के पास आत्मरक्षा के लिए हथियार रखने की होगी परमिशन। विद्रोहियों के हमले में यूक्रेन के एक सैनिक की मौत, यूक्रेन की सेना ने कहा पिछले 24 घंटे में अलगाववादियों की गोलीबारी की 96 घटनाएं रिकॉर्ड की गई है, 81 घटनाओं में भारी हथियारों का किया गया इस्तेमाल। यूपी की चुनावी रैली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का समाजवादी पार्टी पर कटाक्ष, कहा हम परिवार वाले नहीं मगर परिवार का दर्द जरूर समझते हैं, मुस्लिम बेटियों की पीड़ा खत्म करने के लिए 3 तलाक विरोधी कानून बनाया। कश्मीर घाटी में बर्फबारी, श्रीनगर हवाई अड्डे के निदेशक कुलदीप सिंह ने कहा खराब मौसम के चलते श्रीनगर हवाई से रद्द की गई सभी उड़ानें। ब्राजील में रियो डी जेनेरियो के उत्तरी पेट्रोपोलिस शहर में मूसलाधार बारिश से आई बाढ़ और भूस्खलन से तबाही, स्थानीय प्रशासन ने कहा मरने वालों की संख्या बढ़कर 185 हुई। यूक्रेन संकट के बीच शेयर बाजारों में लगातार छठे दिन गिरावट, सेंसेक्स 69 अंक की गिरावट के साथ 57,232 अंक पर हुआ बंद, निफ्टी में भी 29 अंक की गिरावट। अमिताभ बच्चन अभिनीत फिल्म झुंड का ट्रेलर रिलीज, नागराज मंजुले द्वारा निर्देशित यह फिल्म सिनेमाघरों में 4 मार्च को होगी रिलीज। बिग बॉस फेम और अभिनेता अरमान कोहली की जमानत याचिका कोर्ट ने की खारिज, 7 महीने से जेल में बंद अरमान को घर में ड्रग्स रखने के मामले में किया गया था गिरफ्तार। ये थे फटाफट बुलेटिन, ताज़ा अपडेट के लिए बने रहिए हमारे साथ, यानी कि विजिट कीजिए webdunia.com। वेब दुनिया की सभी से अपील है कि भीड़ भाड़ से बचे, मास्क पहने व सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें, साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन करें।